पहले उन्होंने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी और ये संदेश देने की कोशिश की कि वो युवाओं को बीएसपी में भागीदारी बढ़ाना चाहती हैं। उसके बाद उन्हीं आकाश आनंद को उन्होंने कहा कि वो अपरिपक्व है। मायावती जी ने टिकट दिए, टिकट बदले, उस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। मायावती ने बीते दिनों अपने एक फैसले से सियासी भूचाल ला दिया, जिसके बाद हर एक पार्टी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। दरअसल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटाकर हलचल मचा दी है। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें पिछले साल दिसंबर में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लोकसभा चुनाव के बीच मंगलवार को मायावती ने अपना फैसला वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के बीच बसपा में इस बड़े फेरबदल का कारण आखिर क्या है। आकाश आनंद को जब लॉन्च किया गया, खासकर यूपी में, तो उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी। लोग उन्हें सुनने के लिए उनकी सभाओं में आ रहे थे। सभी को लग रहा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर रही है, लेकिन आकाश आनंद के कुछ बयानों ने बसपा को काफी डैमेज किया। कुछ दिनों पहले उन्होंने सीतापुर में बीजेपी सरकार को आतंकी सरकार करार दिया था, जिसके बाद उन पर FIR भी दर्ज हो गई थी। माना जा रहा है कि आकाश आनंद के इन बयानों ने मायावती को नाराज कर दिया। जिस तरह की राजनीति मायावती करती रही हैं और जिस तरह के बयान वो देती आई हैं, उसमें आकाश आनंद की ये भाषा शैली मिसफिट हो रही थी। और अब मायावती के इस फैसले के बाद से ही हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। सुनिए अंशु अवस्थी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा। दोनों निर्णय मायावती जी के हैं। पहले उन्होंने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी और ये संदेश देने की कोशिश की कि वो युवाओं को बीएसपी में भागीदारी बढ़ाना चाहती हैं, जो दलित युवा हैं उनका प्रतिनिधित्व चाहती हैं। उसके बाद उन्हीं युवाओं को, उन्हीं आकाश आनंद को उन्होंने कहा कि वो अपरिपक्व हैं और सारी जिम्मेदारियों से बाहर कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि आज बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों के हित हैं, जो माननीय काशीराम जी का दलितों के अधिकारों को लेकर जो सोच थी उससे भटक चुकी है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर टिकट बदल रही है, बीजेपी के इशारे पर अपना उत्तराधिकारी बदल रही है। तो 2024 का जो चुनाव है वो संविधान बचाने का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। इस देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 10,700 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की। तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, दलित समाज कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहा है, और जो भी दलितों के हितों से इतर समझौता करेगा, दलित उन्हें कभी भी अपना नहीं बना सकते। बहुजन समाज पार्टी आज भटक चुकी है। 2024 में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा, पूरा दलित समाज उनके साथ। इसके अलावा फखरुल हसन, जो कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, जरा सुनिए। देखिए, ये किसी भी राजनीतिक दल का फैसला होता है कि किसको पदाधिकारी बनाना है या हटाना है। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो लगातार भाजपा से सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल भाजपा को चुभ रहे थे, उन आकाश आनंद को आदरणीय मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया। मायावती जी ने टिकट दिए, टिकट बदले, उस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बसपा का आघोषित गठबंधन है, बसपा को माननीय काशीराम जी के बताए हुए रास्ते से भटक चुकी है। इसलिए जनता बहुत आस और उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है।